हेलो गाइस, हाजिर एक और नई कमाल की वीडियो के साथ। और ये गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे खून हम खून खेलने, जॉर्जो पोल खून की होली खेलने। मतलब अब भाई यहाँ पे जो प्लान लगने वाली ना, क्या ही पूछो। अभी देखो इस भाई साहब की कैसे प्लान लगेगी। अब मेरे हाथ से बेचारा वो तो बच गया, पर ये निहत्ता भाग रहा था जिसको पेल दिया मैंने। मार दिया। भाई। आयरन साइट का पूरा पूरा फायदा उठाया और बाबू भैया को लॉबी में भेज दिया। और मेरा टीममेट उधर एक बंदे को मार के बहुत ज्यादा खुश है और वो बोल रहा है कि मेला लगा हुआ है यहाँ पे। तो जैसा कि गाइज अभी एक है बेचारा, वो भी निहत्ता भाग रहा है। और मेरी यूएमपी के अंदर आप जैसा कि देख सकते हैं सिर्फ 8 गोलियां हैं। और भाई मेरी गोलियां खत्म, नहीं तो मैं इसको डेफिनेटली मार देता। अब भाई तुम्हारे भाई ने पास बिल्कुल हेल्थ वेल्थ तो है नहीं कुछ, तो जुगाड़ तो कुछ बैठाना है। तो यहाँ पे मैंने पहले लगाया है एक एनर्जी ड्रिंक कोको कोला, अब दोबारा लगाया है पेन किलर जो थोड़ा सा ना भाई को बूस्ट सब देगा। फिलहाल उधर की साइड बंदे आ चुके हैं और वो बोल रहा है कि M4, और मेरे पास गन नहीं थी तो मैं उससे बोल रहा था कि भाई मेरे को कुछ M4 दो जिससे मैं बंदे पेलूं। यहाँ पे मेरे पास UMP गन है तो कैसे, मतलब कैसे निपटाएंगे पूरा जोर जो यार, ये बताओ। तो फिलहाल मुझे पता चलता है कि भाई सामने की तरफ बंदे हैं और अभी मुझे बस गोलियों की जुगाड़ है, गोलियों की चारों तरफ बस ढिडोरा पिटा हुआ। लेकिन फिर फाइनली मुझे यहाँ पे स्कारल मिल जाती है। अब वेयरहाउस वाले को नहीं मारूंगा मैं, पहले जाऊंगा इधर कंटेनर्स पे, तभी मुझे एक और स्कार रास्ते में मिलती है। पर अब जिस इस बंदे को जैसे मारूंगा ना भाई, ये पूरा फुल टेंशन में बैठा हुआ रैंक पुश करने के जुगाड़ में आया था जॉर्जो, लेकिन तुम्हारा भाई डीमैक्स इसे जुगाड़ पूरा नहीं करने देगा, इनको जॉर्जो में ही निपटा लिया जाएगा। देखो कैसे भाई साहब 1 HP, नहीं तो भैया हमारा तो कांड कर दिया था। इनके बदले हमारी पेटी बन जाती और ये गेम प्ले पूरा बर्बाद हो जाता। तो इनको टाइम से पहले हमने जो दिया है लपेट, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि तुम्हारे भाई के पास आ चुकी है स्कारल और क्लोज रेंज का 20 AKM। अब एक और बंदा जस्ट बगल में है जिसको अभी हम आराम से पेलेंगे तसल्ली पूर्वक और कतई मजा ही आ जाएगा भाई। पीछे जा रहा है। ये बेचारा कहते लुक्का छुप्पी के जुगाड़ में परेशान हो गया था। हमने इनको ठंडा कर दिया और इनसे बोला तुम जाओ लॉबी में थोड़ा चाय पानी लो और एसी की हवा खा के दोबारा आना जॉर्जो, अब ज्यादा गर्मी हो चुकी है। तो ये सब छोड़ो, इनको दिया निपटा। अब जो नाइंसाफी इन दो बंदों के साथ होने वाली है ना, वो शायद किसी के साथ हुई होगी। अगर ऐसा कभी नाइंसाफी तुम्हारे साथ हुई ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। भैया यहाँ पे जुगाड़ क्या हुआ पता है, उन्होंने उसको मारा, उसने इनको मारा और फिर तुम्हारे डीमैक्स भाई ने इन सबको मारा। मतलब इन दोनों की पेटी बना दी। यहाँ पे देखो 3-3 क्रेट चमक रही हैं। अब यहाँ पे मिल जाती है M4। हाय, तो M4 छोड़ो, M4 लेके वहाँ पूरा ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था। तभी पोचंकी के रास्ते में जाते समय हमें पता चलता है कि यहाँ पर ना एक क्रिश है, क्रिश। हाँ जी गाइस, क्रिश देखा ना कैसे क्रिश पिक्चर में जैसे हवा में उड़ता है छतों से छत, तो यहाँ पे वही वाला क्रिश है जिसको अभी हम लोग पेलने वाले हैं। पर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है और हमें दिक्कत आती है, मेरा टीममेट अभी यहाँ पे नॉक भी हो जाएगा जिस वजह से मुझे परेशानी होगी। तो भाई जो ये नेट था ना, वो नेट मेरा खाली चले गया और वो देखो कितनी जल्दी जम करके पहुंचा। और तभी हमारा टीममेट भाई नॉक हो चुका था। अब जिनकी पिछोड़े में हाथ डालना ज़रूरी था, नहीं तो ये मर जाते, अगर इन्हें नहीं बचाते तो इनका हो जाता माइनस। तो भाई हम नहीं चाहते कि इनकी रैंक माइनस हो या KD माइनस हो, तो हमने सोचा चलो इनकी मदद कर देते हैं और इनको जो है रिवाइव दे देते हैं। तभी ये 8x हकते हैं तो हम इनसे बोलते हैं भैया 8x का करेंगे तो करेंगे क्या, गांड में थोड़ी डालेंगे 8x। तो फिलहाल
अब एटेक्स गया तेल लेने, अभी मेरा फोकस है इस क्रिश को मारना। पीछे वाला जो पीछा वाला एनिमी था जिसने मेरे टीममेट को नॉक करा था, वो तो इससे ही बड़ा क्रिश है, इसको कैसे मारेंगे, उससे ज्यादा ट्विस्ट उस क्रिश को मारने में है। तो अब देखो हमने कैसे, ये है क्रिश और मैं हूं यहाँ पे स्पाइडरमैन, तो देखो भैया कैसे मारेंगे इन्हें। भैया इनकी तो बना दिया पेटी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रिश बनने थे। पर ये सब कुछ छोड़ो, अब यहाँ पे हमें मिलेंगे इनके बड़े वाले क्रिश 3 के भाई। अब देखो हमने कर दिया है स्मोक की, यहाँ पे कोई बंदा ना हो, हमने बहुत ढूंढा इन्हें नहीं मिला, लेकिन अब हम जैसे ही गाड़ी लेके जाने वाले थे ना, तब देखो होने वाला क्या है। इतने खतरनाक खतरनाक क्रिश 3 के हीरो यहाँ पे आ जाते हैं पोचंकी में, और ऐसा ऐसा मूवमेंट देते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो फिलहाल इनको तो हम लोगों ने दिया है निपटा कतई, छत पे एकदम इनकी पेटी बना दी है, और हम लोग इन पेटी को लूटेंगे आराम से मजे से। अब लूटने के बाद मेरा टीममेट गया है लूटने, और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ गाड़ी चेंज करने। तो गाड़ी चेंज करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, कहाँ पे, रोजोक की पहाड़ी में। हाँ जी हाँ, भैया इन लोगों का धुआं निकाल दिया है। एक बंदा, ये भैया हमें नहीं मालूम इनका नाम क्या था, सिमरगुल गुप्पा ऐसा कुछ नाम था, तो वो गया तेल लेने। अब हमने दिया है इनको मार, ये पता नहीं खुज कहीं, मुझे लग रहा है इन्हें खुजली उजली हो गई होगी तभी खड़े हो गए। तो फिलहाल अभी हमें यहाँ पे मिल गई ओम। और हाँ, तुमसे पूछना चाहूंगा कि कॉमेंट्री में कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है नहीं कॉमेंट्री में? अगर ऐसे कॉमेंट्री कंटिन्यू करनी है ना, तो कॉमेंट सेक्शन में हमें बता जरूर देना। अब फिलहाल के लिए मैं रास्ते से जा रहा था, तो तभी ये गाड़ी ड्रॉप पे आ जाती है, हमारी गाड़ी का जो है फ्यूल खत्म हो जाता है, जिस वजह से हमें पैदल यात्रा करनी पड़ती है। पर ड्रॉप पे पूरा ध्यान था, पट से हेडशॉट पर लगा नहीं, कोई बात नहीं, अपने को सिर्फ जस्ती है तो M416, मतलब भाई फेवरेट गन है हमारी। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि M416 किस किस की फेवरेट गन है, हमारी तो बहुत फेवरेट गन है। अब हमने इनको इजीली मार दिया दोनों को, और ओम हमें चलाने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि हम आईपैड से स्विच हो गए भैया काय का। अब हम आईपैड पर आईपैड से हटके 11 प्रो मैक्स हमने जो है लिया खरीद जैसे तैसे करके। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे थे रोजोक के रास्ते से, तभी भैया पीछे से एक और बाराती आ जाते हैं। अब इनको देखो कैसे ढूंढते हैं, भाई अगर जो हम इनके MK14 में आ जाते, जिसका मतलब ग्लिच है, तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है सिंगल शॉट दे रहा था, पर ये ऑटो में थी एक्चुअल में, और मैं भी इसीलिए मुंह पे घुस रहा था, तभी उसको मार मुर के हम लोग आ चुके हैं इस तरफ। और तभी भाई यहाँ पे भी कुछ चाहने वाले मिल जाते हैं, ये देखो भाई 2OP2 बी, क्या नाम है, बीटलेस, इनको हमने सीटलेस बना दिया मार के। अभी देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि भाई वो अभी स्टार्टिंग में वो मीटअप कर रहा था, फिर सडनली उसने गोलियाँ चलानी शुरू कर दी, तो भाई हमने फिर तो मारना ज़रूरी था, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि मीटअप कर रहा था, जिस वजह से हम लोगों ने शूट नहीं करा, वो सीधे चला रहा था बिना गोली चलाए, फिर अचानक से भाई धुन दिया। फिर अब क्या हुआ कि दोबारा से भाई रोजोक के अंदर जोन बन चुका, गाड़ी का जो गाड़ी हमारे टीममेट ने दी थी फंसा, और अब यहाँ पे फाइट हो रही है, यहाँ पे घमासान युद्ध चल रहा है, क्योंकि सामने वाले के पास भी है स्नाइपर और हमारे पास भी स्नाइपर। अब स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर यहाँ पे चलेगी, पर हमारी तुमने बताया कि स्नाइपर हमें कमज़ोर है, क्योंकि हम आईपैड से शिफ्ट हो चुके हैं जायरो में, तो जायरो वालों को थोड़ा सा दिक्कत रहता है स्नाइपर स्नाइपिंग करने में। तो फिलहाल
गाड़ी इन्होंने दी थी ठोक, तो पैदल यात्रा करके हम लोग यहाँ पे आए, और तभी भैया सामने से हमें दे दिया था पट्टे से हेडशॉट। तुम देख सकते हो हमारा पूरा हेलमेट जो है लाल पड़ चुका है, और ये बेचारे अपने चुतड़ चुतड़ बचाते बचूते आ गए हैं हमें रिवाइव देने। अब हमारी किस्मत अगर रही तो हम जिंदा ज़रूर बचेंगे और चिकन डिनर ज़रूर लेंगे। तभी सामने वाला बंदा रश कर देता है, हम रिवाइव नहीं हो पाते हैं। अब देखो लालच, भूख किल की लालच में वो अंधे हो जाते हैं और हमारे ऊपर कर देते हैं रश। तभी हम लोग इनकी बना देंगे चटनी। जय श्री राम भैया, बचा लिया, नहीं तो हमारी तो पूरी पेटी हमारा ही बक्सा बनना तय था। पर कोई बात नहीं, हमारा हेलमेट वैसे ऑलरेडी डैमेज था, इसीलिए वो भैया हमें मार दिया, नहीं तो हम सही बहुत पेलते उन्हें। तो अब भाई हमारी परी ने जो है हमें उठा लिया है, अब हेलमेट वैस का जुगाड़ करेंगे, पहले हीलिंग करेंगे। अब बचा भैया एक बंदा, अब अपने टीममेट के साथ मैंने कर दिया है प्रैंक। कैसा प्रैंक? देखो यहाँ पे ब्रिज की तरफ आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग थोड़ा बंद हो जाता था, जिस वजह से मेरे को थोड़ा इस बीच का सीन नहीं दिखा पाता हूँ, पर लास्ट में बचा एक ही बंदा है। अब मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ चलो भाई ओम चैलेंज खेलते हैं, मेरे दोस्त के पास भी ओम है और मेरे पास भी ओम है, ठीक है? तो मैं उससे ये बोलता हूँ सिर्फ ओम से मारना है और किसी से नहीं मारना है। तो उसको दे दिया है मैंने धोखा, मतलब अभी देखो मैंने उसके यहाँ स्कैम कर दिया है, और मैंने उससे बोला कि भाई ओम चैलेंज है, पर अब देखो होगा क्या कि ओम चैलेंज होता है क्या होता है। ये पड़ी चुतड़ पे, बाहर आओ बाहर आओ। अरे मैया मोरी, जय श्री राम। देखा ऐसे दिया जाता है टीममेट्स को धोखा, मतलब प्रैंक कर दिया। और अगर आपने हमें टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया ना DMXYT1, और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जाओ फॉलो करो, क्योंकि हमारा हो चुका है फेस रिवील, तो जो बंदे देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम अगर आप सर्च मारोगे DMXYT1 तो आपको इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा, और मेरा टिकटॉक आईडी है DMXYT32, तो वहाँ पे भी आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भैया, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी और वीडियोज देखते रहिए, और जो मेरा मेन चैनल है DMXYT उसको भी जरूर से चेकआउट करना, क्योंकि वहाँ पे भी हम टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस डालते रहते हैं।